मदद मौलाना हाजर इमाम शाह कर हुसैनी ने अपने इर्शाद मुबारक में फरमाया है आई वुड लाइक दोज ऑफ यू हियर वार ऑफ ए मैरिजेबल एज टू रिमेम्बर दैट मैरिज इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड दैट यू शुड ऑनली एंटर इंटू मैरिज विथ रिस्पेक्ट एंड विथ द बिलीफ The conviction that you can fulfill your part of the contract fully. मौलाना फरमाया कि शादी एक बहुत ही अहम इंस्टीट्यूशन है एक बहुत ही अहम इदारा आप कह सकते हैं कि एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है और आप इस रिश्ते में सिर्फ उसी वक्त जाएं जब आपको इस बात का यकीन हो कि आप पूरे भरोसे के साथ पूरे एहतराम के साथ और पूरे यकीन के साथ आपकी जो इस कॉन्ट्रैक्ट के आपके हिस्से की जिम्मेदारी है उसे आप पूरी तरह निभाएंगे इस फरमान में जिस बात पे मैं जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि मौला ने शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट करार दिया है एक माह है दो पार्टियों के दरमियान दो अफराद के दरमियान एक माह है और इस माहे को समझने की बहुत जरूरत है कई मकामा पे मौलान ने फरमाया है कि शादी एक बहुत ही संजीदा मामला है इसे आपको हल्के दिल से नहीं लेना चाहिए बल्कि जब तक आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो आप अपनी जिम्मेदारी के लिए कमिट ना कर सके तब तक आपको इस रिश्ते में जाना नहीं चाहिए इसलिए इसकी अहमियत का समझना बहुत जरूरी है शादी महज एक समाजी या मजहबी तकरीब ही नहीं होती बल्कि इसमें अहम लीगल मैटर्स होते हैं कानूनी मामला भी शामिल होते हैं और जब भी कोई कानूनी दस्तावेज़ होती है जिसकी तफसीत को समझना ज़रूरी है बिल्कुल इसी तरीके से शादी का जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम यहाँ निकाह नामा कहते हैं उस पर जब हम दस्तखत करते हैं तो उस पर दस्तखत करने से पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ना और समझ लेना और उसका मताल करना बहुत जरूरी है इब्तदा में मैं ये बात अर्ज कर दूं कि अल्लाह तबारक वाली ने शादी को नस्ल इंसानी के बका का एक जरिया करार दिया है यानी शादी के जरिए से इंसानी नस्ल आगे बढ़ती है और हम इस बात की उम्मीद और तो रखते हैं कि अल्लाह तबारक वाली इस शादी के जरिए हमें सेहतमंद नेक औलाद अता करे इस बात को ज्यादा मुमकिन बनाने के लिए कि अल्लाह तबारक तआला की जानिब से आपको सेहतमंद औलाद अता हो यह बात बहुत जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों शादी से पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा लें अपने खून का मुआयना करवा लें ताकि खुदा न खास तक कोई ऐसी बीमारी जो बच्चे में मुंतकिल होने या बच्चों के बच्चों को लगने का कोई खतरा हो तो उसका पहले से तदारुक किया जा सके आ, इलाज किया जा सके उसको रोका जा सके और आपके आने वाले बच्चे की सेहत को महफूज किया जा सके आमतौर पर देखा गया है कि जब किसी घराने में शादी होती है तो हमारी तमाम तर तो सेलिब्रेशन पे होता है भाई ख़रीदो फर्क हो गया जेवर खरीदने हैं कपड़े ख़रीदने हैं दूल्हा क्या पहनेगा दुल्हन क्या पहनेगी दावत कहाँ करेंगे दावत का मेन्यू क्या होगा कितने लोगों को बुलाएंगे सारा ध्यान उस पर होता है मगर एक बहुत ही अहम चीज़ बल्कि सबसे अहम चीज़ उसे हम महज एक फॉर्मेलिटी के तौर पे गुजार देते हैं और वो है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना वो है शादी के कॉन्ट्रैक्ट पे निकाहनामा पे साइन करना कि आप किस चीज पे साइन करते हैं उसमें उस मुआदे में क्या लिखा है और उसमें क्या शराय है तो किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले उसका समझना उसके लिए कमिट करना बहुत जरूरी है तो ये बात हमारे लिए बहुत अहम है कि दोनों पार्टियां और लड़का और लड़की दोनों निका को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें